रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। हम खड़े संजय नगर के नाके पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिक्शा है और दूसरी तरफ ये एक रिक्शा है। दोनों रिक्शा बारी बारी हम आप दिखाएंगे। दोनों रिक्शा के अंदर एक एक पेशेंट है। पेशेंट यानी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, दोनों प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और इनके 9 महीने पूरे हो चुके हैं। एक महिला के तो 9 महीने से ज्यादा दिन हो गए। लेकिन सबसे बड़ी इनके साथ परेशानी ये है कि ये कोरोना पॉजिटिव है दोनों, और दिन भर से, हालांकि ये जो मसूद रजा साहब है ये कल भी हमें मिले थे 14 तारीख की रात में, और आज 15 तारीख को दिन में ये अपनी पत्नी को लेके अलग अलग अस्पतालों में घूमे हैं, थाने के वेदांत में, सफायर में, अन्य कई कालसेगर अस्पताल मुमरा का, ऐसे कई अस्पतालों में ये गए। क्या परेशानियां आई उसके बावजूद ये महिलाएं एडमिट नहीं हो पाई है और किसी भी तरह से इन्हें कोई दवा उपचार या डिलीवरी कराने का कोई साधन नहीं मिल पाया है। मसूद भाई क्या बताएं कि क्या परेशानियां आई, कहां कहां कौन कौन से अस्पताल में गए? आपकी पत्नी है, कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आई है उनकी और 9वां महीना ऊपर हो चुका है डिलीवरी के लिए, तो क्या दिक्कत है और क्या परेशानियां है आज दिन भर में? कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर सुविधा ही नहीं है। हाँ, कहीं डॉक्टर है ही नहीं। जहाँ भी जा रहा हूँ ना, ये बोलते डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, आप सीधा सिविल में जाओ, और सिविल में इतनी बुरी हालत है क्या, बस भरते जा रहे हैं, वहाँ पे तो कोई सुविधा ही नहीं है। सिविल सुबह से मेरे को फोन आ रहा है सिविल में जाओ, सर कहीं नहीं हो रहा है। पर सिविल में हमको नहीं करना है भाई, हमको सिविल की हालत इतनी खराब लग रही है, हमको दिल्ली नहीं हो रहा हमारा करने का। अच्छा, तो हम जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल नहीं, 50 भरो 25 भरो सब रेडी है भरने के लिए। अच्छा, पर कोई सुविधा ही नहीं, कोई डॉक्टर ही नहीं है। मोबरा में कौन कौन से अस्पताल में गया? कालसेगर में गया था, कल गया था। हाँ। आज वापस मेरे को कालसेगर में से बोला गया कि कालसे में करता हूँ, फिर वहाँ से वापस कॉल आया कालसेगर में नहीं है। हाँ। सफाई में बोले भी नहीं है, खारी गांव के पास जो वहाँ पे भी नहीं है। हाँ। फिर तुम्हारे अल्लाह ने की तरफ यहाँ पे गया, मैं क्या वेदांत में गया, वहाँ 4 घंटा बैठा, 4 बोले तो कम से कम अल्लाह ने की तरफ तो 5 बजे से गया था वेदांत में। उन लोग मेरे को बोले क्या भाई रुको वहाँ पे, हम अभी आपका ले रहे। फिर वहाँ से कॉल आया क्या एक बार और जो हम कन्फर्म कर रहे, बोले क्या है, बोले यहाँ पे भाई 18,000 रुपये पर डे की बैठे, फिर बोले 6,000 रुपये की सब साथ में रखेंगे। बोला वांदा नहीं भाई, मेरे को 6,000 की करा दो। बोले ठीक है, बोले 50 भरने को रेडी हो गया वेदांत में। हाँ। 50 भरने को रेडी हो गया, बोले आधा आज दे दो आधा कल दे दो। बोले वांदा नहीं, जब पेपर वर्क होने लग गया, बोले 9 मंथ चल रहा है, बोले हमारे पास सुविधा ही नहीं है, एडमिट हम कर रहे। बोले आप एडमिट कर रहे हो तो मतलब ही नहीं है मेरा कुछ करके, यहाँ पे तो डॉक्टर ही नहीं है। तो अच्छा, यानी कि गायनेकोलॉजी अस्पताल में है नहीं, और डिलीवरी कराई नहीं जा सकती। तो आप दिन में कितने बजे निकले थे और अभी कितने बजे लौटे हैं वापस? घर से निकला 4:30-5 बजे के टाइम पे शाम में, क्यों एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। हाँ। आ रही है करते 2:30 बजे से आ ही रही है वो। अच्छा, तो मैं फिर उसको, इसके पहले आई थी सिविल के लिए, मैंने मना कर दिया, मेरे को सिविल नहीं जाना, रिटर्न चली गई। हाँ। फिर बोले आ रही है, फिर फोन किया हेल्थ मिनिस्टर को, बोले आ रही है। जब आ रही बोले तो फिर मैं बोला भाई इसको पेन हो रहा, मेरे को लेके जाना ही पड़ेगा, क्यों आपकी आ रही है, मेरे को तकलीफ ज्यादा हो रही है। मैंने भाई को फोन किया, इनको लेके निकला वहाँ पे। कैसे गए आप यहाँ से, कौन सी गाड़ी से गए? ऑटो से गया मैं, ऑटो रिक्शा से? ऑटो से गया मैं। अच्छा, अब ऑटो से गया तो वहाँ पे वेट करने के, 4-5 घंटा वेट करने के बाद अब बोलते कि 9 मंथ के प्रेगनेंट के हमारे पास डॉक्टर सुविधा ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है। तो अभी फिर आप जो है तकरीबन यहाँ पर रात में जो लौटे हैं 11 बजे, 11:30 बजे वेदांत में फिर गया। हाँ। वेदांत में गया तो सानू भाई ने बात करे, क्या बोले डॉक्टर अवेलेबल कराता हूँ मैं, पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं हुआ। तो सानू भाई बोले आप घर पे लेके जाइए। हाँ। कल सुबह मैं एम्बुलेंस लेके आता हूँ मैं, आप डायरेक्ट ऑपरेशन वहाँ पे चले जाएंगे, डायरेक्ट बिठाएंगे, क्या प्रेगनेंसी औरत को कुछ हो ही नहीं रहा है। अच्छा, तो नगर सेवक अशरफ पठान और शानू ने ये बात कही आप, ये काफी टाइम से मेरे को गाइड कर रहे हो। अच्छा, पर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आइए इसी तरीके से दूसरे एक परिवार के लोग है हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? शकील भाई, आप अपनी अहिल्या को लेके कब से निकले थे, कौन कौन से अस्पताल गए और क्या क्या दिक्कतें आई? 6 बजे निकला था मैं, शाम में 6 बजे कालसेगर में गए। हाँ। और यहाँ सफायर में। अच्छा, तो यहाँ बोलते डॉक्टर अवेलेबल 9 महीने हो गए इसको हम नहीं ले सकते। अच्छा, ऐसा है। तो अभी डिलीवरी की डेट लगभग करीब है? डिलीवरी की डेट में 12 दिन है, 26 तारीख डिलीवरी का डेट है। अच्छा, लेकिन तकलीफ हो रही है इसके लिए आप लेके हो रही है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, प्राइवेट में भर्ती करने का है। अच्छा, तो आपने कहीं और मतलब किसी नगर सेवक को, किसी संस्था को कुछ संपर्क किया मदद के लिए? किसी को नहीं, किसी को नहीं संपर्क में नहीं है। अच्छा, तो आप संजय नगर में ही रहते हैं? नहीं,
कादर पैलेस में रहते शकील भाई आप, कौसा कादर पैलेस जी। तो ये आप शाम 6 बजे से निकले और अभी 11:30-12 बजे के करीब वापस लौटे हैं। कुछ नहीं मिलता है, हाँ बस परेशानी है और कुछ नहीं मिलता। लॉकडाउन और कर्फ्यू में सभी निजी अस्पतालों में कई बीमारियों के डॉक्टर स्पेशलिस्ट तो गायब हो चुके हैं। अब डिलीवरी के डॉक्टर, प्रसूति कराने वाले जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं वो भी गायब हो चुके हैं। मुमरा कौसा की एक कौसा कादर पैलेस और एक संजय नगर, इन दो इलाकों में दो गर्भवती महिलाएं, एक की 26 तारीख को डिलीवरी होनी है और एक का लगभग डिलीवरी पीरियड पूरा हो चुका है। तो ये दोनों महिलाएं, उनके पति किस तरीके से 15 मई को सुबह से लेकर रात 12 बजे तक परेशान होकर के अपनी पत्नियों को लेकर के घर वापस लौटे, जबकि इन दोनों की पत्नियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में अब ये लोग करे तो क्या करे और किस तरह से इनकी समस्या का जो है हल निकलेगा, थाने मनपा प्रशासन का, स्वास्थ्य विभाग, सरकार किस तरह के कदम उठाएगी जो ऐसे केसेस में लोगों को राहत मिले। आखिरकार ये दो मामले जो है पूरे थाने के मनपा क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग में जो सेवाएं हैं और निजी अस्पतालों की जो मनमानी का कारोबार चल रहा है उसको उजागर करने वाले ये दोनों मामले हैं। ये थी आज की हमारी खबर, जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।